गुड मॉर्निंग बच्चों तो आज हम रिवीजन वीडियो है आपके लिए तो हम शुरू करते हैं हुज फॉरेस्ट से राइट right? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो ये है व्हाट इज़ फॉरेस्ट बेसिकली फॉरेस्ट होता क्या है आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है रि एज अ रिविज़न आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ठीक है सो वॉट फॉरेस्ट ये डेफिनेशन आपको एज इट इज बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए अ फॉरेस्ट इज डिफाइंड एज एन इको सिस्टम और असेंबलेज ऑफ इको सिस्टम मीन्स फॉरेस्ट क्या है एक इको सिस्टम है या बहुत सारे इको सिस्टम से बना हुआ है डोमिनेटेड बाई ट्रीज एंड अदर वुडी वेजिटेशन बेसिकली फॉरेस्ट क्या है एक एक, एक तरीके का इकोसिस्टम है अब सबसे बड़ी बात इकोसिस्टम क्या होता है वो आप मुझे बताएंगे, राइट right? एक इकोसिस्टम है या फिर बहुत सारे इकोसिस्टम इकट्ठे एक हैं जिसमें डोमिनेशन क्या है सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं उसमें वो हैं ट्रीज और बहुत सारी बूढ़ी वेजिटेशन उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं नेक्स्ट कॉम्पोनेंट्स क्या है फॉरेस्ट के फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़ अ नेचुरल वुडलैंड यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दैट एरिया फंक्शनिंग टूगेदर विथ ऑल ऑफ़ नॉन लिविंग फ़िज़िकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वामेंट मीन्स कॉम्पोनेंट्स मीन्स उसके पार्ट्स के हैं उसके अंदर क्या क्या आता है फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स आते हैं ऑब्वियसली हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ लिया था एनिमल्स आप लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गैनिजम्स आते हैं ठीक है थीके? उसके बाद कुछ नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स भी आते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेस्ट में अगर कोई लेक uh, है या फिर कोई पौंड है तो उसे भी हम उसके अंदर ही कैलकुलेट करेंगे राइट नेक्स्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया देखिए एक मैप मैम ने यहाँ पे शो किया है आपको छोटा कर देती हूँ इसे मैं ये देखिए जहाँ पर ये डार्क ग्रीन है आप इसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी ये डार्क ग्रीन एरिया देख रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है और वहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कवर है हमने बहुत बार स्टेट्स एंड कैपिटल का गेम खेला है तो आप मुझे बताएंगे ये वाला एरिया ये कौन सा स्टेट में आता है राइट right? आप मुझे बताएंगे कि ये वाला स्टेट कौन सा है तो बात करते हैं फॉरेस्ट कवर इन इंडिया द पोर्शन विच आर कलर्ड बाय डार्क ग्रीन इज मैप शोज थिक फॉरेस्ट अभी मैम ने बताया आपको कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर है वहाँ पर थिक फॉरेस्ट है और जहाँ पर लाइट ग्रीन है वहाँ पर लेस फॉरेस्ट है अब आप देखेंगे इस वाले एरिया को ये हरियाणा है ये पंजाब है और ये राजस्थान का ये वाला वेस्टर्न पार्ट इसमें आप देखेंगे कोई कलर ही नहीं है उसका रीज़न मोटा मोटी रीज़न क्या है जो आपका हरियाणा और पंजाब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है एग्रीकल्चर लैंड है तो जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड होगा वहाँ फॉरेस्ट नहीं होगी और जो ये रे, ये वाला राजस्थान वाला ये वाला एरिया है यहाँ पर क्यों नहीं है फॉरेस्ट यहाँ पर रीजन है यहाँ पर, पर रेनफॉल बहुत कम होती है इसलिए यहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट अब फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में ठीक है सबसे पहला इम्पोर्टेंस बहुत सारे जीव जंतु बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट में रहते हैं ठीक है हैबिटेट है वो हैबिटेट है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बहुत सारे हमने अपनी स्टोरी में भी पढ़ा था कि बहुत सारे जो ट्राइबल लोग होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं ठीक है बहुत सारे ट्राइबल लोग या आदिवासी उनको बोलते हैं वो लोग कहाँ रहते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनिमल्स का और बहुत सारे लोगों का रहने का स्थान है फॉरेस्ट नेक्स्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स दूसरा रीज़न क्या है इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखिए टिम्बर क्या होता है टिम्बर वुड होती है जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी वुड हमारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है राइट right? और उसके अलावा टूरिज़म भी एक तरीके का एक बेनिफिट है इकनॉमिक बेनिफिट है पैसों से रिलेटेड बेनिफिट है पहला तो अब हो गया आप जो लकड़ी वगैरह मिल रही है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसे यूज़ कर सकते हो पूरी दुनिया में यूज़ कर सकते हो उसके बाद टूरिज़्म आपने देखा होगा आजकल एक कॉन्सेप्ट आया जंगल सफारी लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये सब करने जाते हैं तो इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट है थर्ड इज़ जोग्राफिकल इम्पॉटेंस क्या है उसकी जोग्राफिकल इम्पॉर्टेंस फॉरेस्ट प्ले एन important रोल इन क्लाइमेट कंट्रोल ट्रीज एंड soil हेल्प्स टू रेगुलेट atmospheric टेम्परेचर थ्रू प्रोसेस ऑफ एवर ट्रांसप्रेसन एवर ट्रांसपोरेशन देखिए जहाँ पर भी फॉरेस्ट होंगे या जहाँ पर भी फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दें जहाँ पर भी पेड़ पौधे होते हैं जब आप अपने स्कूल के अंदर एंटर करते हैं तो आप देखते होंगे महसूस करते होंगे बहुत ज़्यादा अचानक से जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है अभी आप गर्मियाँ शुरू होंगी देन यू विल रियलाइज़ कि जैसे ही आप अपने स्कूल के कंपा में एंटर करना शुरू करते हैं तभी आप देखते हैं जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ जाता है नेक्स्ट है जो एटमोसफ जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं वो सी, यू, सी यू टू को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन देते हैं और वो बहुत सारे हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी रिमूव कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट अब हमने पढ़ा एवो एवोप्रो ट्रांसपीरेशन के बारे में देखिए ये वाला जो वर्ड है एवोप्रो एवोप्रो मींस एवोप्रेशन इसे लिया गया है एंड दैट इज़ ट्रांसपीरेशन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू एवोप्रेशन एक सिंपल फिनना है फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी कोई लेक है या कोई भी वाटर का सोर्स है यहाँ से जो पानी है वो ऊपर वेपर्स की फॉर्म में ऐसे से ऊपर जा रहा है ठीक है इसको बोलते हैं एवोप्रेशन ठीक है नेक्स्ट जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो भी कुछ जो वाटर होती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को बाहर निकालते हैं ठीक है ये आपने फिनोमेना देखा होगा कभी कभी आप किसी सर्दी के मौसम में देखेंगे मॉर्निंग में उठ के तो जो आपकी लीव्स होती हैं आप अपने पार्क में अपने गार्डन में देखिएगा जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी 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 ओस जिसको बोलते हैं दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन राइट हो ड फॉरेस्ट बिलोंग टू अब वही अपना क्वेश्चन ये मैम ने शायद आपको एक बार टेस्ट में भी दिया था कि फॉरेस्ट किसको बिलोंग करता है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट शायद ये दिया था आपको यू वॉट इज़ राइट टू फॉरेस्ट एक्ट टू थाउजेंड सेवन पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स जो भी लोग पच्चीस साल से किसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं हैव अ राइट ओवर द फॉरेस्ट लैंड वॉट इज ग्रोइंग ऑन इट उनको क्या राइट है जो पच्चीस साल से ज़्यादा एटलीस्ट पच्चीस साल या पच्चीस साल से ज्यादा जो लोग रह रहे हैं उनको राइट है वो फॉरेस्ट लैंड में रह सकते हैं और जो भी चीज़ें उनके ऊपर भी उनको राइट है दे शुड नॉट रिमूव फ्राम द फॉरेस्ट और उनको फॉरेस्ट से निकाला नहीं जा सकता है द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाई द ग्राम सभा और जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेंगे जो वहाँ पर ग्राम सभा हैं राइट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट बिलोंग टू एनिमल एंड द इनैबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है वो किसको बिलोंग करती है जो एनिमल्स हैं और जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं राइट नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन क्या होता है देखो फॉरेस्टेशन क्या होता है सबसे पहले हम ये समझेंगे फॉरेस्ट जहाँ पर फॉरेस्ट है राइट right? बहुत सारे ट्रीज हैं वहाँ पर फॉरेस्ट है डी मीन्स नेगेटिव सेंस है तो डिफॉरेस्टेशन जहाँ से पेड़ को काटा जा रहा है या कम किया जा रहा है सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूज सच एज हाउसेज फैक्ट्रीज एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्सेट्रा देखिए डिफॉरेस्टेशन हम पेड़ों को क्यों काटेंगे अभी हमने थोड़ी देर पहले मैप देखा था मैप में हमने हरियाणा पंजाब का एरिया देखा वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर फॉरेस्ट जो है बिल्कुल है ही नहीं ना के बराबर है तो हम फॉरेस्ट को काटते क्यों हैं हम जंगलों को क्यों काटते हैं पेड़ों को क्यों काटते हैं या तो हमें वहाँ हाउसेस बिल्ड करने हो या तो हमें वहाँ फैक्ट्रीज लगानी हो या फिर एग्रीकल्चर वगैरह करना हो राइट एंड वट इज़ूम जूम फार्मिंग और जूम कल्टीवेशन एक बेस्ट एग्जाम्पल है डिफॉरेस्टेशन का तो हम समझते हैं जूम फार्मिंग क्या होता है ठीक है बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट साइड प्रैक्टिस होती है जूम फार्मिंग है वो नॉर्थ ईस्ट साइड प्रैक्टिस होती है उसमें क्या करते हैं आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम समयर्स फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई क्रॉप उगाया और उसके बाद उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया उस पर अब कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं करेंगे ठीक है नथिंग इज ग्रो देयर द बॉम्बू और द वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट दे आर कट एंड बर्न उसके बाद क्या करते हैं लोग जो भी बैम्बू या वीड्स वीड्स वगैरह जो भी हो रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को ऐसे ही उगे रहने देते हैं फिर थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं उन्हें काट देते हैं और जला देते हैं द एश मेक्स द लैंड फर्टाइल और जो ऐश होती है जो राग बन जाती है जब आप बैम्बू वगैरह को जलाओगे काट के जलाओगे तो जो वो राख बनेगी उससे क्या होता है लैंड जो होती है वो फ़र्टाइल हो जाती है वाइल बर्निंग केयर इज टेकन सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट और उसके बाद ये भी ध्यान रखा जाता है कि जब आप बर्न कर रहे हैं ये बैम्बू ट्रीज और ये सब तो फ़ॉरेस्ट में आग ना लग जाए ठीक है अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से ऐसे पार्ट में किसी वर्ल्ड में एक कंट्री थी अभी उसमें रिसेंटली फॉरेस्ट फायर हो गई थी और बहुत सारे जानवर जल गए थे और वो बहुत महीनों तक चली गई तो आप मुझे बताएंगे ठीक है तो जूम फार्मिंग क्या है जूम फार्मिंग एक टाइप की फार्मिंग है जिसमें किसी फॉरेस्ट की लैंड पर जो प्लांट्स होते हैं बैम्बू होते हैं वीड्स होते हैं उनको कट किया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है ताकि जो एशस हों जलने से जो एशस आ रही हैं उससे जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाए और उसके बाद वो फार्मिंग करते हैं और फिर उसे एक बार फार्मिंग करी और फिर उस लैंड को छोड़ के कहीं और जाके फॉरेस्ट कट करते हैं वहां पे फार्मिंग करते हैं फिर उसे भी छोड़ देते हैं फिर कहीं और करते हैं ठीक है तो इससे बहुत सारे पेड़ होंगे, राइट वेन द लैंड इज रेडी फॉर आर ड्रॉप्ड ऑन इट उसके बाद क्या होता है मिट्टी को खोदा जाता है जोता नहीं जाता खोदने और जोतने में क्या डिफरेंस है बच्चों देखिए जब आप डग करेंगे तो थोड़ा गहराई में आप उसे डग करेंगे ठीक है उसके बाद सीड्स उसके अंदर डाल दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज़ वेजिटेबल्स चिलीज राइस कैन बी कैनबीग्रॉन और बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्रॉप्स आप वहाँ पे उगा सकते हैं सो दिस इज़ योर असेसमेंट क्वेश्चन वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन इसी जो भी मैम ने वीडियो में समझाया है उसमें ही होंगे राइट मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो अगर आपको सही से आवाज़ नहीं आ रही तो उसके लिए सॉरी सो so, <coughs> वट डू यू मीन बाई डिफॉरेस्टेशन डीफॉरेस्टेशन से आप क्या समझते हैं अभी मैम ने समझाया तो आप लिखेंगे एक्सप्लेन ब्रीफ वाट इज़ राइट टू फॉरेस्ट एक्ट टू थाउजेंड सेवन राइट टू फॉरेस्ट एक्ट टू थाउजेंड सेवन क्या है आप वहाँ तक लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तक राइट नेक्स्ट डिफाइन एवो ट्रांसप्रेशन अभी समझाया था वाट इज़ फॉरेस्ट डिस्क्राइब ऑल द कॉम्पोनेट्स बिलोंग टू इट फॉरेस्ट क्या है और कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं फॉरेस्ट के आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक और आप इसे रिवाइज़ करेंगे थैंक यू क्लास थैंक यू बच्चों